एक इंसान मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, मोहब्बत की तरह है, वफा जैसा है। मेरी मोहब्बत की तलाश उस पर ख़त्म हो गई, ज़मीन पर है वो मगर आसमान जैसा है। जब किसी इंसान को उसके उलझे हुए सवालों का जवाब मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी इस शायरी की तरह लगने लगती है। आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला करने जा रही हूँ। मेरा फ़ैसला सही है या गलत मैं नहीं जानती, तो मुझे ये यकीन है कि वो सही है। कहते हैं ना, समटाइम्स द हार्ट व्हाट इज इनविजिबल टू द आईज। जी हाँ, जाफर कहाँ मिलेगा? मैंने कहा ना आपसे सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं मालूम मतलब तू उसके साथ काम करती थी ना? हाँ सर, पर मुझे ये नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ पे होगा। मतलब कि वो मुझे कभी एक जगह पे मीटिंग के लिए बुलाता ही नहीं था। हम हमेशा अलग अलग जगह पे ही मिलते थे। देख अभी भी टाइम है तेरे पास, तो हमें सच सच बता दे वरना हम तुझे ऐसी जगह डालेंगे, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी तू। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कहा ना आप लोगों से, मैं से ज्यादा उसके बारे में नहीं जानती। ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जी सर, मैं अभी आया। Come in. Sir. Sit. क्या हुआ? कुछ बताया उसने? अब तक तो नहीं सर, पर जरूर बताएगी। जाफर के मोबाइल का क्या हुआ? सर फिलहाल स्विच ऑफ बता रहा, पर मैंने ट्रेस पे रखा है। लोकेशन का पता चलते ही वो हमें इन्फॉर्म करेंगे सर। हेलो सर, जो लड़की गिरफ्तार हुई है क्या उसने ही खून किया है सर? मैंने कहा ना आप लोगों से कि जैसे ही केस की तस्वीरें साफ होगी आप लोगों को मीडिया के जरिए बता दिया जाएगा, समझे? हाँ, नो मोर कॉल फ्रॉम मीडिया, समझ गए? हाँ, अब वो जादव को अंदर भेजना। देखा, सुबह से ये लोगों ने नाक में दम करके रखा है। इन लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज, ताकि वो दिन भर उसे टीवी पर चला सके। हाँ, कमिंग। जैन सर। जादव, स्केच आर्टिस्ट का क्या हुआ? जी सर, 10 मिनट में आ रहा है। जैसे ही वो आ जाता है उसे कृष्णा के पास ले जाना और जाफर का स्केच बनवाना, ठीक है? अच्छा सुन। जी सर। उस लड़की को अंदर भेजना। यस सर। सिट। खान। जी सर। तुझे क्या लगता है, ये लड़की इसमें इन्वॉल्व है या जो कृष्णा कह रहा है वो सच? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये लड़की उसके साथ इतने दिनों से काम कर रही है और उसे भनक भी नहीं हुई कि ये बंदा करता क्या है। हो सकता है कि
वो उसे इस्तेमाल करा। मे बी सर, हो भी सकता। एक ग्लास पानी भेजना। कम इन। खान जी सर। सेट। ये लो पानी पियो। लो शाबाश। मैं खान के बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। क्या है ना कि ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो सही है या गलत। इसीलिए हम लोगों को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। हम एक दूसरे से नहीं मिले। मैं एसीपी संजय पाटिल। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आयशा चौधरी। आयशा चौधरी, क्या करती है? सर मैं पढ़ाई करती हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आयशा, आप पढ़े लिखी लगती हो, अच्छे घर की लगती हो, फिर एक गैंगस्टर के साथ? सर कृष्णा मेरा पड़ोसी है, एक दिन उसने आके मुझे काम के लिए पूछा और मैं भी काम के तलाश में थी, मैंने हाँ कह दी। उसने मुझे जाफर का नंबर दिया और मैं उसके बताए गए एड्रेस पे पहुंच गई। मैं कमिंग सर। आ जाओ। सर ये मेरा। ठीक है। कृष्णा को कब से जानती हो? तकरीबन एक साल से। इससे पहले तुम क्या करती थी? मैं अपने अंकल के शॉप पे अकाउंट संभालती थी। देखो आयशा, इस काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, जिसके ऊपर मैं 100% भरोसा कर सकूं। सर आप बेफिक्र रहिए, आई विल गिव माय 100%। सर मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा? क्या आई मीन मुझे काम क्या करना होगा? देखो आयशा, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, यहाँ पर भी तुम्हें अकाउंट्स ही संभालने होंगे और महीने में 2 से 3 बार मेरे साथ मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी। और हाँ आयशा, तुम्हें रोज़ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तभी तुम मुझसे मिलोगी। सर मेरी सैलरी कितनी होगी? इसके लिए मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। 20,000 मेरे लिए बहुत थे और तब मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। आयशा, तुम इतने दिन उसके साथ रही, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि वो करता क्या था?
शाम मीटिंग के लिए जाते, मुझे कार में बैठने को बोलता था और खुद ही मीटिंग करके चला आता था। तुम्हें पता भी है वो क्या करता था? नहीं। वो लोगों का खून करता था। He is a contract killer. अच्छा एक बात बताओ आयशा, वो कभी भी किसी से मिलता था या तुम्हारी मौजूदगी में ही मिलता था किसी से? नहीं सर, लेकिन हाँ किसी आदमी से फोन पे बात करता था, उसे मामू कह के बुलाता था। मामू? वो अच्छी तरह जानता है कि हम बेईमानी का धंधा भी पूरी ईमानदारी से करते हैं और ये हमारा धंधा सिर्फ 3 चीजों पर टिका हुआ है, उसूल, ईमानदारी और डर। लेकिन तूने इन 3 चीजों से बाहर जाने की कोशिश की, उसूल, ईमानदारी, डर। सलाम वालेकुम मामू। सलाम, कब आया तू? टाइम हो गया। क्या पिएगा, ठंडा या गरम? कुछ नहीं, काम बोलो। यही अदा तो पसंद है तेरी मुझे, कट टू कट बात करता है तू। ए ये ले, इसमें कबूतर और इसकी कीमत दोनों है। काम हो जाएगा। पैसे और फोटो दोनों हैं, मुझे इस आदमी की सारी रिपोर्ट चाहिए। ओके भाई, काम हो जाएगा भाई। भाई एक बात पूछो। पूछ। ऐसा कैसे लगी आपको? कैसी लगी मतलब? मतलब काम तो कर लेगी ना? हाँ कर लेगी, लेकिन सारी अंग्रेजी बहुत बोलती है। सही है ना भाई, काम के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख जाओगे। सॉरी भाई। चल अब तू निकल। ओके बाय।
सलाम भाई। सलाम। ये लो भाई तुम्हारा स्पेशल चाय और बनमस्का। उधर टेबल पर रख दे। छोटू एक बात बता। छोटू। जी भाई। तू काम क्यों करता है? पैसे के लिए भाई। क्यों, घर पर तकलीफ है क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, अपन अपने बाप का इकलौता औलाद है। वो है ना, अपन को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता था, और अपन को पढ़ाई से 36 का आंकड़ा था, और अपन को पैसा कमाना था। इसके लिए गांव से कल्टी मारा और सीधा मुंबई आ गया। अब देखो ना भाई, इस दुनिया में जितने भी अरबपति आदमी है, सबके सब अनपढ़ ही तो है साले। ठीक है भाई, चलता है। छोटू सुन। हाँ भाई। ये ले रख। शुक्रिया भाई। छोटू, नीचे अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो मुझे फोन करना। ठीक है भाई। हाँ बोल भाई। इसका नाम ज्योतिराव है, सुबह 11 बजे आता है। हाँ भाई, सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है और 6:30 बजे से बाहर निकलता है। ठीक है। क्या हुआ मीटिंग में? उसने कैंसिल हो गई, अगले हफ्ते रखी है। सलाम कृष्णा भाई। सलाम। क्या बैठर की? जब देखो तब हीरोइंस की फोटोज पर उंगलियों को मारता रहता है। चल पेपर छोड़। क्या बात है सल्लू भाई, बम्पर। क्या हो बे? वो अपने सल्लू भाई है ना, उनकी किक फिल्म ने 1 हफ्ते में 150 करोड़ रुपए पार कर दिया। ये तो होना ही था ना भाई, मैं कल ही फिल्म देख के आया। क्या फिल्म बनाई भाई ने, एक नंबर। सही बोला कृष्णा भाई, एकदम सही बोला। बॉलीवुड में एक ही स्टार सल्लू भाई। क्या बिजनेस किया है यार। चुप बे ठरकी। कृष्णा भाई एक बात बोलूं? बोल। अपुन के दिमाग में ना एक सॉलिड आइडिया है बिजनेस का, बोलो तो बताऊं। ए गोली रेंदे रेंदे, पिछली बार का तेरे आइडिया था ना शिलाजीत बेचने का, साला क्या हुआ बाद में, साला खुद को यूज करना पड़ा। गोली की ले ली तूने शिलाजीत। अबे चुप कर भाई, मैं क्या बोलता हूँ, ये सिल्वर स्क्रीन थिएटर है ना, उसके प्रोजेक्शन रूम के अंदर अपुन का ना एक छोकरा लगी लाए, उसने बोला है कि एक मिनट। हाँ भाई, 11 बजे तक मुझे रेस्टोरेंट पे मिल। ओके ओके भाई। कृष्णा। सलाम भाई। बैठ। क्या खाएगा? कुछ भी चलेगा भाई। छोटू पता चलेगा। एक काम कर, एक ट्रिपल राइस और एक चिकन चिली। शुक्रिया भाई।
हैं बोलो। अरे को तो सब कुछ चिंता कुछ करो। अरे भाई सुना चाहिए तुम भी माता खराब कुछ है तुम बार बार फोन कुछ बोल रही भाई सो खाद चाहे खुद क्यों डिस्टर्ब कर रही बार बार पूछता छो ना माता खराब कुछ तुम्हें। हाँ ठीक है जी छो जो रखा खुद चलो बाय। भाई थोड़ा गाँव से फोन आया था। भाई एक बात पूछो। बोल। आपने अपने लाइफ में कभी किसी से प्यार किया है? क्या बकवास कर रहा है तुझे आज हुआ क्या है? सच वो ना भाई आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है मेरी अम्मा कहा करती थी लाइफ में सबके बार प्यार होता है। आपको कभी किसी से प्यार हुआ? खाना खा। भाई एक बात और पूछूं? पूछ। आपको ऐसा कैसे लगती है? कैसे लगती है मतलब? क्या ना भाई अपने को बहुत मस्त लगती है और इस लड़की का लाइफ में जाए ना तो लाइफ सेट हो जाती है। भाई काम करा दो ना प्लीज करा दो ना प्लीज प्लीज भाई लाइफ सेट हो जाएगी मेरी करा दो ना भाई प्लीज करवा दो। अबे साले तेरे को मैं दल्ला लगता हूँ क्या? चुपचाप खा चल। Happy birthday, dear Aisha. Happy birthday to Thank you. You. तो Aisha, आज क्या plan क्या है? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? अरे यार तुम्हारा birthday और कुछ खास नहीं? I'll make a plan. See. पहले तो एक मस्त रेस्टोरेंट में लंच करेंगे फिर एक रोमांटिक मूवी देखेंगे फिर लॉन्ग ड्राइव। ओके। हेलो अभी सॉरी यार आई गॉट टू गो। क्यों क्या हुआ? वर्क ना जॉब इज जॉब जाना पड़ेगा। अरे यार उसे बोल दो ना कि आज नहीं आ सकती मैं। आई एम सो सॉरी। ये रहा तुम्हारी सैलरी और ये दूसरा एनवेलप इसमें ऊपर लिखे हुए अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर देना। ओके। आप यहाँ कुछ काम था? तुम अपने ये भूल भूल गई थी। लंच करोगे मेरे साथ? चपाटी चले? चलो।
थैंक यू सो मच। ये बर्थडे मेरा बेस्ट बर्थडे था। मैं जाती हूँ। आयशा, आयशा। एक बात का ध्यान रखना, अगर हम लोग कहीं बाहर अचानक से मिलते हैं ना, तो मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हेलो। हाँ मामू, मैं भी इस वक्त इसे नहीं मार सकता। क्यों, क्या हुआ? नमाज पढ़ रहा है। फोक दे साले को, जन्नत में जाएगा। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारे साथ मुझे मीटिंग अटेंड करनी होगी, तुम कोई मीटिंग में लेके क्यों नहीं जाते? जब किसी से अंग्रेजी में बात करनी होगी तो लेकर चलूंगा। ठीक है। आराम से खाना, कहीं जाना है क्या तुझे? नहीं भाई, बहुत तेज भूख लगी है, और क्या है ना, बिरयानी भी एक नंबर बनी है।
सेठ 3,000 रुपया चाहिए था गांव भेजना है। 3,000 रुपया चाहिए था गांव भेजना है। ठीक है कर ले लेना, थोड़ा जोर से दबा ना, ऊपर ऊपर थोड़ा और ऊपर। सेठ एक बात पूछूं? अब क्या हुआ? दरगाह के पास लड़के लोग क्या पीते हैं? आज उनमें से एक मुझे बुला रहा था। अरे वो चर्सी लोग हैं, वहाँ बिल्कुल मत जाना, समझा? हाँ। और अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, समझा ना? चल पैर दबा। टाइम कितना हुआ? 11:30। 11:30 बज गए? या अब तो सो जा। एक मिनट।
हाँ बोल। हाँ फिर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा मामू। आयशा। हाँ। ये 20,000 ट्रांसफर कर देना। ओके। और ये 10,000 मिसेस गोम्स को दे देना। तुमने कहा था ना वो कुछ बच्चों को यतीम खाना चलाती हैं। ऑर्फनेज। हाँ वही। हाँ बोल। तो फिर क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? हाँ आयशा, आयशा, आयशा। हाँ क्या हुआ? अच्छा तुम निकलो नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा। ओके। अच्छा सुन, शाम को मिल। कृष्णा। हाँ भाई। चालू करने का ट्राई कर। ओके भाई। चल। भाई ये तो गई, चालू नहीं हो रही है। क्या करें यार। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। क्यों भाई, सही बोलो ना। चुप बैठ गए साले। भाई खराब हुई सब। भाई लाइसेंस दो ना। लाइसेंस उसके पास। गाड़ी का पेपर नहीं है मेरे पास। हाँ पेपर नहीं है साहब। नाम क्या है तेरा? जाफर। काम क्या करता है? प्रॉपर्टी का। क्या ले रहे हैं? हैं? खोल। खोल रहे। खोल रहे मुंह। हम खोल। हम खोल रहे।
सब सब सुनो सब 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 भाई 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 पुलिस वाले भाई भाई बैठ 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 भाई भाई क्या करो भाई भाई पुलिस वाले भाई भाई नमस्कार, अभी अभी पता चला है कि बेलापुर क्रॉसिंग के कुछ ही दूर पर दो पुलिस वाले गंभीर हालत में पाए गए। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता अभय गुप्ता के पास चलते हैं। संदीप, आज सुबह तकरीबन 4 बजे दो पुलिस वाले घायल अवस्था में पाए गए, जिनमें से एक एसआई ऑफिसर और दूसरा हवलदार था। एसआई की मौके पर ही मौत हो गई है और हवलदार अभी भी गंभीर हालत में। इस घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया गया है कि जब मुंबई खानिया सब क्या हो रहा है? हाँ, तुझे पता है ना कितना प्रेशर है मुझ पर और ये मीडिया वाले क्या कह रहे हैं? ये मीडिया वाले, जब इस शहर में एक पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्या जवाब दूंगा मैं इन लोगों को? बोलो सर, 5-10 हजार के लिए आजकल कोई भी कत्ल करने को तैयार हो जाता है, इसलिए सर पता लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है। ब्लडी, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, ज्यादा हो ओके। अगर तुम लोगों से ये केस सॉल्व नहीं होता तो कहो मुझसे, मैं ये केस किसी और को दे दूंगा, समझे? सर, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट सर, बहुत जल्दी वो बंदा हमारे हिरासत में होगा। कोशिश नहीं खान, आई वांट रिजल्ट विद इन 48 आवर्स। आई वांट दैट बास्टर्ड इन माय ऑफिस। ओके, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر سبحان ربي الأعلى
आने का, मैं कह रहा हूँ आगे नहीं आने का। अरे जाना रे, अरे क्या करता है, जाना रे, ये ले पैसा, कैसे तेरे को, जा, अरे जा, जा रे, जा तू, छोड़ देना, छोड़ दे रे, माफ कर दे यार, गलती हो गई यार, जा, ये अस्पत्र है, तू मार देगा सबको। यार नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा, आयशा। हाँ बोलो। क्या तुम अभी मिलने आ सकती हो? हाँ ठीक है। 701 रिद्धि सिद्धि। हाँ। यारी रोड। ओके। सर आज घर पर आ रहे हैं क्या? क्यों, आज क्या? सर वो गणपति बिठाई है ना, पूजा, इसलिए। ठीक है, लेकिन ये बता उस कार का कुछ पता चला? सर वो कार किसी वेंकटेश्वर के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो 5 साल पहले बेच दी गई थी। और तेरे खबरी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्लू मिला? सर मैंने सबको काम पर लगा दिया है, जैसे ही कुछ मिलता है बताएंगे। कुछ भी कर जाता, मुझे वो बंदा चाहिए। जादव। जी सर। सिर्फ एक बार, एक बार साला वो हाथ लग गया ना। जी। ये सूरज देख रहा है? जी सर। ये आज डूब रहा है, कल फिर उगेगा, पर वो साला। चल। अरे भाई जल्दी का, ट्रेन छूट जाएगी। गोले 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 मेरे भाई। अरे अरे भाई पकड़ो पकड़ो, आराम से, आराम आराम, संभालो संभालो, सोनो सोनो, आरो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। गोले। हाँ भाई। मेरे भाई कभी प्यार किया? कौन सा वाला प्यार भाई, जान देने वाला या? जान देने वाला मेरे भाई। भाई क्या है कि ऐसा प्यार अपुन को साला हजम भी नहीं होता है। मैंने किया, सही है भाई। अपुन को तो बताओ ना उसका नाम क्या है, बता। नाम लूंगा तो बदनामी हो जाएगी। क्यों? बदनामी से डर नहीं लगता है साहब?
भाई आप भाई से इतना डरते क्यों हो? तुझे नहीं मालूम भाई, तुझे नहीं मालूम, परसों का सीने को तू देख लेता ना, फट जाती। साले दो पुलिस वाले को ऐसा मारा, ऐसा मारा, क्या बोलूं कैसा मारा। गोली भाई तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम भाई, वो इंसान नहीं शैतान है, शैतान है मेरे भाई, वो शैतान। काय सिंह काय चला? एक नया वाला है। क्या सत्ता और बत्ता ट्रैफिक में जा रहे थे। सत्ता सिर खुजाने लगता है लेकिन हेलमेट के ऊपर से खुजाने लगता है। बत्ता ने पूछा कि सर ये हेलमेट के ऊपर से क्यों खुजा रहे हो? कहता जब तुम पिछाड़ा खुजाते हो तो क्या पतलून उतार के खुजाते हो? सबरा काय चल रहे? काय नहीं साहब, इनका रोज का संता बनता। हाँ ठीक है ठीक है, चल रे, चल 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 चल, परसों लेके चल। ये दिल आशिकाना। अरे कृष्ण भाई। आड़ी भाई कैसे? अच्छा अच्छा, कहाँ? शाम को मिलते हैं, शाम को। सुन कृष्णा, तेरा नाम है? आप लोग कौन? चल सर, मुझे नहीं लगता ये सब बोलेगा। सिंह लेकर आ। मुझे कॉल कर दे सब ठीक है, सब सब छोड़ दे, सब
मुझे कुछ नहीं बोला साहब, मुझे कुछ नहीं बोला। कृष्णा देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं, बताते हो कहाँ है भगवान साहब? कसम से मुझे कुछ नहीं पता साहब। तू ऐसे नहीं बताएगा साहब। एक लड़की है साहब, वो जाफर के बारे में सब कुछ जानती है साहब। जाफर भी कहा होगा, पर वो लड़की बहुत बोली है साहब, उसे कुछ नहीं पता साहब। प्लीज उसे कुछ मत करना साहब। मैं भी उस लड़की को जाफर भाई के पास काम लगाना साहब। कुछ नहीं पता, वो सब इस बैठे में इन्वॉल्व नहीं है साहब। प्लीज साहब, उसे कुछ मत करना साहब। प्लीज बता दे साहब। जी हाँ सर, सर जाफर का स्केच बन गया। वेरी गुड खान। क्या यही है वो? हाँ। हेलो, गुड, ओके। सर जाफर का लोकेशन का पता चल चुका सर। That's good. Then what we are waiting for? Yes, sir. Khan. Ji, sir. I want him alive. Okay? Koshish karunga, sir. रेसिडेंशियल एरिया संभाल के। जादव सीढ़ी।
उसे कैसे पता चला कि तू उसे पकड़ने जा रहा है? नो आइडिया सर। एक काम करो खान, जाफर के स्केच को मीडिया में दे दो और फिलहाल उस लड़की को रिलीज कर दो। ठीक है सर। रिमोट देना। कभी कभी ना सोच के भी डर लगता है कि तुमने उस दिन सब सच नहीं बताया होता तो शायद आज हम साथ नहीं होते हैं। हेलो आयशा। हाँ बोलो। क्या तुम अभी मिलने आ सकती हो? हाँ। 701 रिद्धि सिद्धि यारी रो। ठीक है। अच्छा तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा नाम जाफर है और तुम प्रॉपर्टीज का काम करते हो, पर अचानक आज ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, मैं पैसे लेके लोगों का खून करता हूँ। खून? आयशा मैं आज तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो मैंने अब तक किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम समझ सकती हो। मैं 10 साल का था जब मुंबई आया, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का। मेरा बाप मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहता था। वो हमेशा कहते थे कि वो नहीं बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन मुझे जरूर बनाएंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। कई रातें हमने बिना खाना खाए गुजारी। गांव वालों का हम पर इतना कर्जा हो गया था कि लोग रोज दरवाजे पर आकर लड़ते और तरह तरह की गालियां बकते। एक दिन इन सब से तंग आकर मेरे बाप ने हम सबके खाने में जहर मिला दिया। लेकिन मेरी किस्मत में भी दुनिया को हर पहचानना लिखा था। मैं बच गया। मुंबई आया तो एक रेस्टोरेंट में चाय वाला बनकर काम करने लगा।
आयशा, मैं तुम्हें आज ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ सकती हो, तो मेरा साथ दोगी?